अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। मेरा दिल किया थोड़ा सा आज आप लोगों से एक रेसिपी शेयर करूं। वैसे मिक्सिंग कर चुकी थी, पर बता देती हूं। इस पे मैंने डाला है 3 कप मैदा है और तकरीबन 1.5 कप सूजी है, और भी इसके अंदर मैंने पिसी हुई चीनी डाली है तकरीबन 2 कप, 1.5-2 कप। और अभी मैं इसमें खशखाश ऐड करूँगी, उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करके हम इसकी मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे। इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंद से नारियल खोपरा जो है वो ऐड कर सकते हैं, मेवा जात ऐड कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही पसंद है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। अभी इसको मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है जी जनाब। ये मैंने इसमें जो खशखाश जो है वो भिगो के रखी हुई थी, और साथ में ये घी है, घी से बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है। अब इसके अंदर मैं ये देखिए ये दूध है, थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊँगी, इसको घूमती जाऊँगी, उसके बाद एक डो टाइप की बन जाएगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ज़्यादा नहीं, आटे की तरह गूंदना है, मगर थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में, पतला नहीं करना, बहुत हार्ड भी नहीं करना। अभी मैं आपको इसका फॉर्म दिखाती हूँ जी जनाब। ये देखिए ये डो तैयार हो गई है, ये बहुत हार्ड है ना, बहुत सॉफ्ट है। मैं इसको हाफ आवर के लिए रखूँगी असेंबल करने के लिए, हाफ आवर के बाद हम इसकी शेपिंग स्टार्ट करेंगे जी जनाब। ये देखें जी, ये यमी यमी सी मैंने बना ली है टिक्कियाँ, और बहुत ही मज़े की शेप्स में देखें। ये मेरे बच्चों को पसंद है, स्टार शेप, फ्लावर शेप, हार्ट शेप। और अभी मैं इनको कुक करूँगी, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इनको फ्राई करके किस तरह से मज़े से बन जाती हैं, ठीक है जी जनाब। ये देखें, ये जो मैंने 3 कप मैदा और सूजी ली थी उससे, ये देखिए माशाल्लाह ये 3 प्लेट्स पे हमारा ये बन गया। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। ये बहुत ही अच्छी मज़े की देखिए, नॉर्मल ही टाइम के मैदा है, सूजी है, दूध में गूंदी हुई है। ये देखें, ये मैं इसमें डालती जाऊँगी, और हम इसको थोड़ी देर बाद जब ये गोल्डन एक साइड से हो जाएंगे तो इसको उलट पलट कर देंगे, और उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है। एक साइड से ये इस तरह से गोल्डन हो गए, इस तरह से जी जनाब। ये आप सबको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए बड़ी खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अच्छा, जब हम इसे निकालते हैं तो उस टाइम ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, इनकी ज़्यादा सॉफ्ट होती है हीट की वजह से। थोड़ी देर बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर आती हैं तो बहुत ही सेट होती है। इस पर आपका ऑप्शन होता है, आप लोग तेल भी लगा सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो मैंने तेल नहीं लगाए हैं, अगर आप लोग लगा सकते हैं। ये देखिए जी, ये बिल्कुल रेडी है, मैंने इनको चेक कर लिया है बहुत अच्छे से, और ये मैं अब इनको निकाल लूँगी। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, फैट कॉन्शियस हैं, वो इनको बेक भी कर सकते हैं। जब बेक करेंगे तो हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर देंगे,